कैसा माहौल है, चुनावी माहौल दिख रहा है तो योगी जी नजर नहीं आ रहे हैं? ये कहना सही नहीं होगा कि योगी नजर नहीं आ रहे हैं। योगी जी अपने स्तर पे सही है। योगी जी के तो भाई योगी जी ने तो काया पलट कर दी, क्योंकि 5 साल अगर इनको और मिल जाएगा तो बदलाव नहीं होगा बल्कि अबदलाव हो जाएगा। नहीं, कोई वैकेंसी निकलती है तो परीक्षा होने पहले लीक हो जाता है पेपर इनका। इसकी सरकार बन रही है, मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। नमस्कार, आज हम आ पहुंचे नौका विहार गोरखपुर, और गोरखपुर में हमने देखा कि ऐसा विकास जो कि अद्भुत, और अद्भुत जब देखते हैं तो कुछ हमारे साथी यहां पर हमें मिल गए हैं जो भीम आर्मी आजाद पार्टी को समर्थन देते हुए अपनी थकान मिटाते हुए हमें दिखे यहां पर। और जब थकान इनकी हमने पूछा कि क्यों थक गए भैया, तो इन्होंने कहा हम थके नहीं हैं, अभी हम आगे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप थोड़ा सा बताएं कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? सही लग रहा है यहाँ पर। कैसा माहौल है, चुनावी माहौल दिख रहा है? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है आजाद समाज पार्टी का। अच्छा, तो योगी जी नजर नहीं आ रहे हैं? योगी जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, योगी जी नजर नहीं आ रहे हैं जी? ये कहना सही नहीं होगा कि योगी नजर नहीं आ रहे हैं। योगी जी अपने स्तर पर सही है, बट अब तक यहाँ योगी जी ने राज किया है गोरखपुर के ऊपर और काफी समय से बने हुए हैं, पर यहाँ की जनता, जहाँ तक हम बीच में आए हैं, यहाँ की जनता से हमें प्याप जो मिला, सूचना मिली कि अब समय हो गया है और बदलाव होना चाहिए, और बदलाव का चेहरा नजर आ रहा है चंद्रशेखर आजाद जी का ही नजर आ रहा है, तो जनता का नजरिया उस तरह मुड़ाव है, तो आगे वाला समय बदलाव का है। हाँ जी भैया, चश्मा, शाम का समय और चश्मा गहरा, तो क्या बात है, कुछ अंदर से कुछ और देख रहे हो क्या? जी बताएं। बहुत अच्छा, यहाँ जनता का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और भाई के लिए भी सपोर्ट कर रही है जनता यहाँ की, तो जनता जब सहयोग देगी तो भाई का तो आना ही आना है। भाई ने आना ही आना है, और हमारे बीच में एक बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन भी आ गए हैं और वो यहाँ का तो आपका आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, तो आप थोड़ा सा बताए कि यहीं से रहने वाले हैं? ना, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मतलब मेरे जो घर वाले हैं यहाँ पर। हाँ जी। हाँ, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता, सिडनी में। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं आया, मतलब मुझे तो बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा है कि अब तो लग रहा है फॉरेन जो है यहाँ पर बन गया है। अरे बढ़िया, मतलब फॉरेन से कोई कमी नहीं है। योगी जी के तो भाई योगी जी ने तो काया पलट कर दिया, क्यों मैं गोरखपुर 20-25 साल पहले आया था, तब का गोरखपुर आपके गोरखपुर में तो पता ही नहीं, और पूरा इंडिया में जहाँ भी जा रहा हूँ अब समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया इतना तेजी से बदल रहा है। तो भारत बदल रहा है। मैडम, आप भी साथ में आई हैं? हाँ, साथ में आई हूँ। जिया जी हैं। अच्छा। और ये मेरे हस्बैंड हैं। बहुत बढ़िया। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खूब ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छे कर रहे हैं सब चीज में। तो गोरखपुर का विकास होता हुआ दिख रहा है आपको? हाँ जी, चेंजिंग तो दिखाई दे रही है, विकास हो रहा है, काम भी हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है गोरखपुर में, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। हाँ, और सरकार सुरक्षित भी लग रहा है। हाँ, और इसको अच्छा करे और प्रमोट करे, यही चाहेंगे सरकार से, ही आशा है। चलिए, उत्तर प्रदेश आप जाइएगा नहीं, आपसे और पूछेंगे। उत्तर प्रदेश में आप कुछ नेता नगरी पूरी लगते हैं? नेता नगरी नहीं, हम जनता के सेवक हैं। अच्छा। हाँ, अभी हम आए थे डीडी न्यूज का, तो कंसलिप था होटल एडिशन में, तो लोग वहीं से भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप गोरखपुर के बारे में बताएं जरा थोड़ा सा, कैसा लग रहा है आपको गोरखपुर में? गोरखपुर बदलाव लग रहा है, गुरु नाथ की धरती है तो अच्छा ही लगेगा। गुरुनाथ की धरती है, गुरु गोरखनाथ की धरती है तो अच्छा है। बदलाव लग रहा है कुछ? बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं है फिलहाल, लेकिन बदलाव तो है, बहुत ज्यादा नहीं है। 5 साल और चाहिए? नहीं 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 दोगे, क्योंकि 5 साल अगर इनको और मिल जाएगा तो बदलाव नहीं होगा बल्कि अबदलाव हो जाएगा, जो था वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आज हम लोग खड़े हैं ये 2017 से पहले भी था। हमको देखिए, हम युवा हैं और सब युवा हैं, तो हमको रोजगार से मतलब है, शिक्षा से मतलब है, अच्छी सड़क से मतलब है, अस्पताल से मतलब है, हमसे इससे मतलब है। बहुत बढ़िया, इन्होंने कहा शिक्षा से मतलब है, रोजगार से मतलब है, ये तो पहले भी था यहाँ पर। और आपसे मैं पूछूंगा कि आप करते क्या हैं पहले? हम पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा। ग्रेजुएशन चल रहा है, तो आपको कैसे लगता है कि मतलब रोजगार मिलेगा? रोजगार के नाम पे जीरो है, सरकार है, जीरो सरकार। नहीं, कोई वैकेंसी निकलती है तो परीक्षा होने पहले लीक हो जाता है पेपर इनका, सब निकम्मा काम है इनका। कभी मन में नहीं आता कि मैं रोजगार देने वाला बनूं, रोजगार पाने की जगह रोजगार देने वाला बनूं? सोचता हूं, उस लायक क्रम भी कर रहा हूँ, अगर होगा तो रोजगार देने। 23 करोड़ की जनसंख्या है हमारे उत्तर प्रदेश की, इतनी वैकेंसी है क्या हमारे पास? वैकेंसियाँ बहुत हैं, टीचर की वैकेंसियाँ हैं। कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे कोई भी सरकार? 23 करोड़ जनसंख्या है,
हर घर में तक रोजगार दे ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इस बार इनकी सरकार जा रही है, समाजवादी की सरकार बन रही है, समाजवादी की सरकार बन रही है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, हेलमेट लगा के। जी जी जी, इसकी सरकार बन रही है, अब देखते हैं फिलहाल। और मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी क्यों बनेगी? बीजेपी की सरकार, लोगों को काम देखना है। काम तो दिख नहीं रहा है, मना कर रहे हैं, काम तो है ही नहीं है। ये तो पहले भी था, रोजगार नहीं है बोल रहे हैं, और शिक्षा नहीं है, तो कहाँ रोजगार दिख रहा है? रोजगार बनने के लिए पहले एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। मुझे लगता है प्लेटफॉर्म अभी बनना स्टार्ट हुआ है, और आगे कुछ सालों में प्लेटफॉर्म जब बन जाए। देखिए वो किसका नाम, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ से बोला था, सिडनी, सिडनी से आए हैं और बोलते हैं यहाँ की तो कायाकल्प पलट हो चुकी है। अरे भाई देखो, रोजगार के लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी से डेवलप हो रहा, हमने देखा कि इंडिया में जहाँ भी जा रहे हैं रोड्स इतने जबरदस्त डेवलप हुए हैं, फैक्ट्रियां लग रही है, क्योंकि 150 करोड़ लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो तब तक रोजगार बन नहीं सकता है। और रोजगार बन रहा है बहुत तेजी से, यहाँ पर स्टार्टअप कंपनी शुरू हो रही है, लेकिन इतनी जनता है कि इतना आसान नहीं है। लेकिन ये कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, जैसा उत्तर प्रदेश में आने में कोई घबराता था, अब लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का जो भीम आर्मी से पूछते हैं इनका विजन क्या है, इनका विजन पूछते हैं। हाँ जी विजन बताइए। प्राइवेट नौकरियां करने से गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं ये लोग, जो युवा आज शादी, चलो प्राइवेट में नौकरी नहीं करनी है, प्राइवेट में नौकरी यानी प्राइवेट नौकरी मिल सकती, प्राइवेट प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? अरे तुम प्राइवेट प्रधानमंत्री बनाने आए हो यहाँ? नहीं बनाने नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब लोग युवा चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, सबको सरकारी नौकरी दोगे आप, आपकी पार्टी आ जाएगी? अरे बिल्कुल देंगे, रोजगार देंगे, जो रोजगार देंगे हम लोग, हमारी अगर सरकार बनती है पूरी बहुमत से तो रोजगार देंगे युवा को। सीटों पे लड़ रहे हैं हम, 403 सीटों पे लड़ रहे हैं, पूरे 403 पे लड़ रहे हैं। टोटल बहुत बढ़िया, हम 35 दलों से गठबंधन है, 35 दलों से गठबंधन हुआ है आप लोगों का, 35 दलों, बहुत बढ़िया। तो आप बोल रहे हो सबको सरकारी नौकरी दोगे, 135 करोड़ जनसंख्या को सरकारी नौकरी मिलेगी भीम आर्मी की तरफ से? हाँ जी, कि सत्य देखिए जो काबिलियत हासिल करेगा उसको नौकरी दी जाएगी, बट सबसे बड़ी बात है सरकारी नौकरी तो तब दी जाएगी ना, सरकार उस चीज को रखेगी। रेलवे देखिए निजीकरण भेज दिया, एयरपोर्ट देखिए निजीकरण भेज दिया, हॉस्पिटलाइजेशन निजीकरण भेज दिया। भीम आर्मी कह रही है कि सबको रोजगार देंगे, नहीं मुमकिन नहीं है। एक घर में एक रोजगार दे दें बहुत है, तब तक भाग गुणा भाग कर लो कुछ, चार के हिसाब से कुछ, चार के हिसाब से कुछ गुणा भाग कर लो, 135 को 4 से डिवाइड कर लो, एक एक परिवार में चार एक आदमी को मिलेगी ना। चलिए आप बताइए कितना सत्य है इनकी बात। देखिए हर व्यक्ति को प्रति अगर आय से देखा जाए या प्रति व्यक्ति के परिवार से देखा जाए तो हर व्यक्ति को कोई भी गवर्नमेंट हो उस सर्विस नहीं दे सकती, लेकिन शिक्षा इतनी दुरुस्त दे सकती है कि हर व्यक्ति अपना रोजगार कर सकता है। चलिए इनका कहना है हर व्यक्ति अपना रोजगार कर सकता है, स्वरोजगार भी एक योजना होती है और रोजगार देना अपने आप में भी एक है, तो हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। तो मेरे नेताओं से मेरी पर्सनल अपील है कि ऐसी बातें ना बोलिए कि सबको रोजगार देंगे कि कल 5 साल बाद भी ढूंढे नहीं मिलोगे आप लोग, ठीक है? तो रोजगार वो जो सत्य हो, हम लोग चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो हम सत्य को दिखाएंगे, हम ये चीज नहीं दिखाएंगे। हाँ हाँ जी, आप लिवाइस देखिए कितनी बढ़िया ऑरेंज की टी शर्ट पहन के हैं, बताएं। हम लोग तो चाहते हैं कि जो भी रोजगार, मतलब रोजगार की व्यवस्था हमारे राज्य में बिल्कुल ठप हो गई है, जो भी सरकार आए रोजगार को उत्पन्न करे ताकि युवाओं को रोजगार मिलता रहे। प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट और सरकारी कहीं भी सोर्स होना चाहिए। चलिए ये बढ़िया है, सोर्स होना चाहिए, रोजगार घर चलना चाहिए। आओ भैया आगे आ जाओ, है ना? चलिए अच्छा, हमारे बीच में एक भाई और है। हाँ जी, रोजगार, शिक्षा, रोजगार कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है आज के डेट में, तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षा, उसके बाद रोजगार। यदि मेरे पास शिक्षा रहेगी तो रोजगार और रोटी तो हम लोग कहीं से कहीं इकट्ठा कर लेंगे। सुना इनकी बात सुनी, यदि शिक्षा होगी तो रोजगार तो हम खुद बना लेंगे। सबसे स्वास्थ्य होगा, हाँ एक मिनट हाँ जी बताएं, सर जोर से बोलिए, तुम्हारी बात बड़ी पसंद आई, जोर से बोलिए। अरे सर देखिए, अगर शिक्षा नहीं होगी, मान लीजिए अब ऐसा कोरोना में इतना दिन स्कूल बंद रहेगा और ये
शराब दारू मार्केट मेला सब चलता रहेगा, रैलियाँ चलती है, सिर्फ स्कूल बंद रहेगा तो हमारे बच्चे आने वाले सब भविष्य जितने सब अनपढ़ गंवार होंगे, तो ये न सवाल कोरोना में सरकार ने काम किया है अच्छा? नहीं, एकदम पूरा फ्लॉप था जी। मतलब क्या फ्लॉप रहा, व्यवस्था नहीं थी अच्छी? बिल्कुल, लोग लाखों लाखों मीलों से पैदल आए अपने घर, इससे बदतर से बदतर, मतलब कई कई दिनों का खाना उनको खाना पड़ा, सारा गला, कई लोग पैदल धूप में जलने इधर उधर आए, बहुत परेशान हुए लोग कोरोना काल में, बहुत परेशान हुए, परेशान। अच्छा, चलिए, कोरोना काल में बहुत परेशान हुए लोग, सरकार ने कुछ काम किया नहीं किया? सरकार ने काम तो कुछ नहीं किया, कहीं तो देखो तो तमाम ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए थी, जो आज रथ चलाए हैं पूरी 403 विधानसभा में, यही रथ भाजपा इस समय ना चला करके उस समय चलाती तो ये लोग जो रेलवे लाइन पे ये इतना बड़ा हादसा हुआ था आपको पता है, ये ना होता। तमाम ऐसी सरकारों ने सुविधाएं नहीं चलाईं जो आज लोग गरीब लोग मजलूम परेशान हैं, और कोई सी भी सरकार ये आती रहेंगी या अपने फ़ायदे करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है इनका, होने वाला। तो आपने वोट देने जाओ? हाँ, वोट दिया मैंने, सपा को वोट दिया है, अब की बार सपा को लाना है, पूर्ण बहुमत से सपा को लेके आना है, और ये जो गरीब मजलूमों पे अत्याचार करने वाली पार्टियां यहाँ से जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। चलिए सारी बात, हाँ ये बोल रहे हैं सपा को, हाँ आपने कहा था अभी, आपने कहा था 5 साल तक आप 5 साल के बाद दिखाई नहीं दोगे, अब हम आपको बताते हैं पिछले 5 साल जो बीजेपी की सरकार रही है उसमें सबसे ज्यादा भीम आर्मी और आजाद समाज, मेरे को ये मेरा आपसे मतलब नहीं, दिखाई नहीं दोगे नहीं, आपकी योजनाओं से, योजनाओं के कारण आप दिखाई नहीं दोगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 5 साल से अगर रोड पे अगर कोई दल है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, जो गरीबों की मजलूमों की और जो है हर तरीके के समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही एक ऐसा लीडर है जो आज हर समाज के लिए जो है, हर वर्ग के आदमी के लिए जो है काम कर रहा है। ये सर तब अच्छा लगेगा जब समान शिक्षा हो जाएगी, लोग जो आज तब नीचे तबका है वो जब लेवल पे आ जाएगा तब ये चीज़ होगी। फ्री करेंगे, चलो सबको फ्री करेंगे, समाजवादी पार्टी से ये बोल रहे हैं हम, सबको एक समान आपको रोजगार भी देंगे, शिक्षा भी देंगे, स्वास्थ्य भी देंगे, सब है, मैं सही कह रहा हूँ? सब फ्री। देखिए उनका क्या घोषणा पत्र है वही जान पाएंगे। आपका घोषणा पत्र में क्या, सब कुछ फ्री है, बिजली पानी सब फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, शिक्षा स्वास्थ्य सब फ्री है, बिल्कुल फ्री, और बिजली भी फ्री है, 350 देखिए, इतना पैसा लाएंगे कहाँ से जो फ्री बांटेंगे? सरकार के पास बहुत सारा पैसा है, मगर सरकार दे तब ना। अच्छा चलिए चलिए, बहुत 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 बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, अच्छा तीन दल यहाँ पर हैं, तीन दलों के समर्थन में लोग यहाँ खड़े हैं, योगी जी को हम और आप आइए, स्वागत है, लेकिन जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करिए। पार्टी बदलने से हमको जिंदगी, हमारा भविष्य नहीं बदलेगा, बदलने के लिए आप काफी हैं, लेकिन सोचिए, उसके लिए सोचना पड़ता है। आप देखिए पार्टी, आप पार्टी ही बदल रहे हैं, सब लोग पार्टी बदलने में लगे हैं, अखिलेश जी चाहते हमारी पार्टी आए, हम कहते हैं योगी जी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए जो रास्तों में दिक्कतें आ रही हैं, जो गांव में आप जाइए वहां फिर से वापसी करिए, आपको आना है फिर आइए, लेकिन आप अपनी काबिलियत जो आप भरोसा दिला रहे हैं उसको पूर्ण करिए, हम आपको फिर से मौका देंगे। पार्टी को आगे बढ़ाना है कि देश को आगे बढ़ाना? देखिए देश को आगे बढ़ाना, देश के लिए बहुत संघर्ष। देखिए सत्ता परिवर्तन किसको बढ़ाना है, पहले देश को, देश को, प्रदेश, देश को, देश को बढ़ाना, देश और प्रदेश। चलो फिर सब इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं, देश बड़ा की दल, तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस इसी साथ हम खत्म करते हैं, देश को आगे बढ़ाइए, अपने दल अपने पीछे पीछे बढ़ते ही जाएंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।